आपको लगता है कि जेसिका लाल मर्डर केस की छवि अभी तक फैमिली पे या आपके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स पे वे करेगी? आई डोंट थिंक दिस इज रेलिवेंट टू दिस इलेक्शंस. दिस इज जस्ट इंटरप्रेटेड बाय यू. आई डोंट थिंक इट इज डू यू थिंक दैट पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट इट? व्हाटएवर वाज द केस इट इज गॉन बाय एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक. ना स्पीच शुरू करने के समय बोला कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ उस तरीके से आपके साथ गलत ना हो, तो आपको लग रहा है कि एमएलए के चुनाव में इस तरीके की बातें करनी चाहिए? ये बातें थोड़ा डर फैलाती हैं? नहीं, डर की बात नहीं है, सिर्फ लोगों को अवगत कराने की बात है कि ऐसी कोई चीज आगे ना हो, इसके लिए सतर्क रहें. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है. मैं हूँ सागरिका किस्सू अपनी साथी मनीषा मुंडाल के साथ, और मेरे साथ है अभी कालका असेंबली सीट की बीजेपी से प्रत्याशी शक्ति देवी शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे हरियाणा इलेक्शंस के बारे में और वो किन मुद्दों पे कालका असेंबली सीट में चुनाव लड़ रही है. नमस्कार मैम, द प्रिंट. नमस्कार. पहली बात तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों के पास लेकर जा रहे हैं, जिससे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ थोड़ा क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र, अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल के साथ लगता है और उधर से शहर के साथ लगता है, और यहाँ पर बहुत कम कोई रोजगार है के साधन है, तो इसलिए इस क्षेत्र को विकसित करना है, ये मेरा पहल है. क्षेत्र को विकसित करना आपका पहल है, मगर हमने ये भी देखा कि आपके जो बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा जी, जो राज्यसभा से एमपी भी है बीजेपी से, उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को गोद लिया है. जी हाँ, उन्होंने कालका अम्बाला हल्के को गोद लिया है, और कालका भी उसी में से एक हल्का है, क्योंकि 9 विधानसभाएं हैं अम्बाला में और कालका उसमें से एक क्षेत्र. तो आपको क्या लग रहा है, बेटा और अगर आप जीत कर आती है तो बेटा और माँ साथ मिलकर काम करेंगे इस क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार रहेगी और विकास के लिए हमें बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि उसके पास एक विजन है जिसके तहत वो ऑलरेडी काम कर रहा है. जब वो कुछ महीने पहले इस हल्के में आया था तो यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो चुकी थी, एचएमटी की फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी थी, तो जो भी व्यवसाय यहाँ पे था वो बंद हो चुका है और उसकी जगह कोई नए रोजगार के साधन नहीं बने हैं. तो उसने इसमें पहल करी है कि एचएमटी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे लोगों का वीआरएस था जो अभी लंबित पड़ा हुआ था, और वो शायद कोर्ट में भी केस हार चुके थे. उन्होंने उनकी रिप्रेजेंटेशन लेके कुमार स्वामी जी के पास गए थे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, और उनका केस रीओपन कराया है और उनको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, ताकि उनका जो वीआरएस, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है जिसके लिए वो बहुत दुखित थे कि हम अपने बच्चों को सेटल नहीं कर पाए हैं, तो उसको खुलवाने का काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि किसी अंजाम तक पहुँचेंगे. और साथ ही उन्होंने मिनिस्टर से बात ये भी करी है कि अगर हम एचएमटी को रिवाइव करवाएं या वहाँ पर कोई भी पार्ट्स एचएमटी के हम बनवाने शुरू करें, अन्यथा नहीं तो उसकी जगह कोई नया रोजगार वहाँ पर इंडस्ट्री लेके आए. आपने पीछे ही बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद आपको यहाँ से उम्मीदवारी मिली, तो ऐसी क्या वजह है कि जो आपकी अपनी पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी, उससे आपने इलेक्शन नहीं लड़ा? देखिए, पार्टी का की सोच थी, पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा है और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और अभी मैं मौजूदा मेयर हूँ, तो शायद उनको मुझे लगा कि मैं यहाँ से एमएलए जीत के जा सकती हूँ, या मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. रही एमएलए की बात, हम देख रहे हैं आपके जो कैंपेन्स है उसमें भी जो आपके पार्टी के स्पीकर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपने जिस तरीके से अम्बाला में डेवलपमेंट की उसी तरीके से आप यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, तो आप कुछ बता सकते कि अम्बाला और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़े बड़े चीज़ों में फ़र्क, 3-4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको लगा? देखिए, यहाँ पानी की बहुत किल्लत है और सड़कों दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है, और रोज़गार तो है ही है, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि विनोद शर्मा जी 10 साल अम्बाला में विधायक रहे हैं और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अम्बाला के लिए. कि अगर मैं पानी की बात करूँ तो उन्होंने अपने समय में 400 करोड़ रुपए की नहरी योजना लेके आए थे वो अम्बाला क्षेत्र के लिए, और वहाँ पे पानी मुहैया कराया था, और आज अम्बाला में पानी की कहीं से भी कोई कमी नहीं है.
और अगर मैं बात करूं कि रोजगार की, तो उनके समय में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां लगी थी अम्बाला में। और सड़कों की बात करूं तो आज भी उस समय की सड़कें जो बनाई थी वो आज भी मौजूद हैं, और लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि जो उस समय जो सड़कें बनी थी वो ज़्यादा मजबूत थी। काम किया था वहाँ पर उन्होंने, वहाँ पर बाढ़ आती थी तो हमारे गांव डूब जाते थे, तो वहाँ पे साइफन्स लगाने का काम किया, बिजली के ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े लगाए गए। अब अम्बाला में बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, उस समय में बिजली आती ही नहीं थी, तो काफ़ी हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। और अम्बाला को सीवरेज भी नहीं थी अम्बाला में जब हम गए थे वहाँ पर, तो सारे शहर में सीवरेज डलवाई गई थी, तो उन्होंने काम किया था। उस एक्सपीरियंस के बतौर मैं कहती हूँ कि मैं हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। बात करें विनोद शर्मा जी की, तो वो अपने समय पे मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत जाने माने नेता भी रह चुके हैं, पर जो जेसिका लाल मर्डर केस था और उसके बाद जो उनकी पॉलिटिक्स पे इफेक्ट हुआ, तो आपको लगता है कि जेसिका लाल मर्डर केस की छवि अभी तक फैमिली पे या आपके इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स पे वे करेगी? आई डोंट थिंक दिस इज रेलेवेंट टू दिस इलेक्शंस, दिस इज जस्ट इंटरप्रेटेड बाय यू, आई डोंट थिंक इट इज वेरी। डू यू थिंक दैट पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट इट? व्हाटएवर वाज द केस, इट इज गॉन बाय एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक ऑन दिस। आई वांटेड टू आस्क मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि हम जब अभी कैंपेन में आपके साथ थी, तो आपके साथ एक आपकी ही महिला मंडल की एक सदस्य थी जिनका नाम संगीता भैंसला था, और उन्होंने अपना स्पीच शुरू करने के समय बोला कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, उस तरीके से आपके साथ गलत ना हो। तो आपको लग रहा है कि MLA के चुनाव में इस तरीके की बातें करनी चाहिए, ये बातें थोड़ा डर फैलाती हैं? डर की बात नहीं है, सिर्फ लोगों को अवगत कराने की बात है कि ऐसी कोई चीज आगे ना हो, इसके लिए सतर्क रहें। तो आपको क्या लगता है कि खाली BJP ही है जो हिंदुओं के बारे में सोच रही है और कोई और पार्टी नहीं सोच रही? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के बारे में सोचती है, हर उनके लिए कोई भी वर्ग अलग नहीं है, वो हर वर्ग के बारे में सोचती है। और अगर आप महिलाओं की बात करें, तो अगर वो महिलाओं को जो 33% उन्होंने रिजर्वेशन दिया या अब उसको बढ़ोतरी 50% है, तो किसी जात पात के तहत नहीं दिया है, वो हर महिला को मिलेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से जात पात इसमें आती है। आपको शायद मेरा सवाल अच्छा ना लगे, क्योंकि मैंने उनको सुनते हुए सुना, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जमात के आने की वजह से, तो मुझे लगा ये थोड़ा डिविसिव हो रहा है। आई थिंक अभी आज से पहले मेरी किसी भी मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, and I don't think it was relevant to this meeting. मैम, मेरे को आप ये भी बताइए कि मैंने ये देखा कि आपका एक नेचर है, आप लोगों के बीच में जाके बैठती हैं, उनके साथ चाय पीती है, एक बात करने का तरीका है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आपकी पॉलिटिकल जर्नी में आपको कितना मदद कर रहा है? I don't think my nature should be political. My nature is my nature and I go by that, and I'm always like this. Even in Ambala, people love me, I love my people. और आज भी बहुत तादाद में लोग अम्बाला से यहाँ पर हमारे लिए वकालत करने आए हुए हैं, तो ये लोगों का प्यार है जो हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, और हम ऐसे ही हैं। Who you think will win Haryana elections this time around? We are just a week away from the voting. I don't hardly a week away from the voting. I'm sure Bharatiya Janata Party will win these elections. And we will make our government for the third time. And there is a tug of war, we can say, between Nayab Saini and Manohar Lal Khattar ji. Manohar Lal Khattar ji came yesterday to campaign for you also. So who you think is going to be the CM face this time around? There is no tug of war. There is no, I think this is a wrong perception. There is no tug of war. Nayab Singh Saini ji is being declared as the chief minister from here. But Monday, there are many many people, many leaders, high profile leaders who have thrown their hats, be it Anil Vij. Everybody has a right to throw their hats. It's a democratic setup. So you can't say that. But the party has already announced Nayab Singh Saini ji as the next chief minister, which was announced by Amit Shah ji. So I think it's very clear. My last question before I conclude this, आपको लगता है हरियाणा में एक महिला चेहरा भी सीएम के तौर पे कभी होना चाहिए? देखिए, हर किसी को हक है करने का, पर लेकिन जो पार्टी का मानना होता है वही सब प्रिय होता है, बिकॉज द पार्टी इज देयर
टू डिसाइड. अगर हम ही सब कुछ तय करने लग जाएंगे तो पार्टी की क्या जरूरत है. शुक्रिया बात करने की.